दरअसल मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से कई दावेदार कतार में हैं। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर गुना से पूर्व सांसद केपी यादव भी दावेदारों की सूची में है। इसी बीच लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सुरेश पचौरी भी दावेदार माने जा रहे हैं। दरअसल साल 2019 के दौरान लोकसभा चुनाव में हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, तो वहीं हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसा हो सकता है कि पचौरी और बीजेपी के बीच राज्यसभा सीट को लेकर समझौता हुआ हो। ऐसा इसलिए क्योंकि पचौरी ने लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले बीजेपी का दामन थामा था, जिसका खामियाजा कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बुरी तरह हार कर उठाना पड़ा। ये बात इसलिए भी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में जाने का एक बड़ा इनाम मिला था। ऐसे में सुरेश पचौरी को भी बीजेपी राज्यसभा का इनाम दे सकती है। बात की जाए सुरेश पचौरी के राजनीतिक करियर की, तो पचौरी ने 1972 में एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और 1984 में राज्य युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1984 में राज्यसभा के लिए चुने गए और 1990, 1996 और 2002 में फिर से चुने गए। एक केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने रक्षा, कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत और पेंशन और संसदीय मामले और पार्टी के जमीनी स्तर के संगठन कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भी रहे। सुरेश पचौरी ने अपने राजनीतिक करियर में केवल दो बार चुनाव लड़ा। साल 1999 में उन्होंने भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की उमा भारती को चुनौती दी और 1,60,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। इसके अलावा उन्होंने 2013 के विधानसभा चुनाव में भोजपुर से शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री और दिवंगत सीएम सुंदरलाल पटवा के भतीजे सुरेंद्र पटवा के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। ऐसे में कहा जा सकता है कि राज्यसभा के रास्ते सुरेश पचौरी सदन में अपनी आवाज उठा सकते हैं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के उत्तराधिकारी बन सकते हैं।